तो पिछले ओएमजी में हमने देखा कि कैसे कांति लालजी मेहता धर्म के ठेकेदारों से लड़ गए सिर्फ ये बताने के लिए कि धर्म एक धंधा है, इस प्रकार की बचकाना बातें और इंश्योरेंस में फायदा है। मगर ये सब सिर्फ 2012 में बोलना अलाउड था। अब सबके पास एक फोन और 1.5 GB डेटा है और 1.5 GB डेटा वाला बिहारी किसी भी परमाणु बम से खतरनाक होता है। एनीवे, अब वक्त बदल गया है ना, अब तो सेंसर बोर्ड ही आधी मूवीज और प्लॉट कट करवा देता है। वाह भाई वाह, बच्चों को एजुकेट करने के लिए मूवी बनाई थी, उसे 18 प्लस बना दिया। चलो कोई नहीं, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कांति शरण से। नहीं, ये दोनों कांति रिलेटेड नहीं है। अच्छा, इस वाले का कालीन का साइड बिजनेस है। तो कांति एक मंदिर में काम करता है जहाँ वो वक्त से पहले जाता है, पूजा करवाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ स्त्री मूवी करता है, लोगों के छूटे हुए बैग घर पे संभाल के रखता है, फिर घर आके सारा दिन काम कर रही बीवी से चाय मंगवाता है। काफी टिपिकल सिंपल डिंपल पिंपल मिडिल क्लास फैमिली है। मगर अगले दिन खबर आई कि बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और ये क्या हुआ, असेंबली में बेहोश हो गया क्या? किस्मत वाले हो, वरना हमें तो नाश्ता करके जाना पड़ता था। मगर डॉक्टर बताता है कि बेटे ने अरविंद सर की वीडियो नहीं देखी तो इसने धप 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 कर लिया सोफिया वाइगरा की 3 गोली खा के। भाई, इसका एक में नहीं हो रहा था क्या? नहीं। और 3 गोली लेने की वजह से राजधानी में 3 डब्बे और जुड़ गए। मगर बेटा एम्बैरस है और डॉक्टर कहता है, आपके बेटे ने जो किया वो नॉर्मल है, आपको उसके साथ खड़ा रहना होगा, उसका लंबे समय तक साथ देना होगा, वरना गिर जाएगा उसका कॉन्फिडेंस। तो अब क्या करें? बेटे से तो कुछ पूछ लिया तो डिस्प्रेशन में चला जाएगा, क्यों ना उसके उस दोस्त को पकड़े जिसको उसके पीटी टीचर इसके लंबे बालों के लिए नहीं डांटते। भाई ये कैसा स्कूल है यार, है? मुझे तो इतने बाल के लिए भी डांट पड़ती थी, ऐसे बाल मैं रख लूँ ना तो मुझे सरकारी स्कूल के बच्चे लुगाई बुलाएंगे। भाई वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ किसी और बात पे बुली करेंगे। तो ये बताता है कि इसको स्कूल में होम अलोन वाला लौंडा आके कहता है कि उसका बड़ा है, ड्रेक से भी बड़ा, और सबको बड़े अच्छे लगते हैं, और अगर तुझे बड़ा बनना है तो धप 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 कर, वरना फ्यूचर में विवेक ऐश तुझे छोड़ के अभिषेक के साथ भाग जाएगी। मेरी बीवी छोड़ के भाग गई, मैं क्या करूं? और तू लल्लू हो जाएगा। तो अब इसे ड्रेक को कंपटीशन देना है, तो इसने ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हाथ पैर जो मिला सब यूज करके धप 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 लगा रहा। तू तो सुसु करने गया था, कैसे लिंग को मसलने लगा? दिन रात लगा रहा, दिन रात इतनी मुट्ठी मार रहा है, मारते मारते लिंग भी ढीला कर दिया। और फिर इसे मिला जापानी तेल, जो हो गया फील, और स्केल पे तो सेंटीमीटर है, नैनोमीटर नहीं। तो अब ये किसी बंगाली बाबा के पास जाता है जिसके पास सोना गाची फॉर्मूला है, पर ये भी फेल। तो ये अब मेडिकल शॉप से लेता है सोफिया वाइकरा की एक छोटी पैकेट, और वेल धप 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 हॉस्पिटल, योगी वापस आ जा भाई, इसमें से कुछ भी काम नहीं करता। तो डॉक्टर ने कहा कि ये सब मन का खेल है, तन का नहीं, अपने बेटे के साथ दोस्त बने। तो ये बेटे के साथ ही धप 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 उसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। मगर कांति और उसके बेटे को मिला एक झटका, क्योंकि याद है ना हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एक बिहारी 1.5 GB इंटरनेट के साथ किसी भी परमाणु बम से खतरनाक होता है। तो किसी रैंडम बच्चे ने इसका बाथरूम में धप 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 का वीडियो बना के अपने किसी रैंडम चैनल पे फुल लिंक इन बायो करके अपलोड कर दिया। लड़के जो अश्लील पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़े गए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है, विवेक। और अब इसी वजह से विवेक के 5 मिलियन व्यूज हो गए। अरे वाह, लेट्स गो। अच्छा नहीं, स्कूल से ही निकाल दिया। गलत है ये। भाई ये कैसा प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो बच्चे प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं फिर भी क्लास में आते हैं। बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसने करा थप 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 और मोहल्ले में हो गई थू थू थू। अबे इस आंटी ने भी लिंक पे टैप किया। आंटी आपका फोन दिखाना, हिस्ट्री देखनी है। आंटी ये वड़ा पाव गर्ल क्यों सर्च कर रही थी आप इस साइट पे? तो विवेक का नाम पूरे बॉलीवुड में ब्लैक लिस्ट हो गया। और ये वाला विवेक सैड है। तो डैडी जी बदनामी से बचने के लिए घर छोड़ के कुछ दिन दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब काफी बदनामी होगी और अब ये भगवान से भी मदद मांग रहे हैं। तो भगवान जी स्वयं आने वाले थे मगर सेंसर बोर्ड ने उन्हें आने नहीं दिया। तो एंट्री होती है अक्षय कुमार एज महाकाल का दूत। लगता है अब सब अच्छा हो जाएगा। हेलो, क्या मतलब मेरा बेटा जेल में है, लीगल स्कैम कब किया मेरे बेटे ने? तो वही जेल में दूत कुमार भी है
जो लड़ रहे हैं कि उनका बैग गायब हो गया है। अरे सर, सीलमपुर मार्केट में अब तक बिक भी गया होगा, नया ले लो आप। तो सच तो ये है कि विवेक होम अलोन वाले लौंडे के घर के बाहर चक्कू लेके गया था, क्योंकि उसी ने इसका जीना हराम कर दिया था और उसी ने इसका वीडियो बना के लीक भी किया था किसी रैंडम पेज पे। तो अब ये डरा हुआ है, मगर यहाँ इसके साथ है महाकाल के दूत, तो कैसा डर, थोड़ी ना पापा मारेंगे। रो मत बेटा, महाकाल का हाथ तेरे सर पे है। तो अब विवेक के साथ सिर्फ बुरा हो रहा है, पुलिस हमेशा की तरह विक्टिम को ब्लेम कर रही है, पापा तो मारते रहते हैं और वीडियो के व्यूज 8 मिलियन होने वाले हैं और जल्दी चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। अरे वाह। तो अब क्या करें, शहर छोड़ के भाग जाते हैं, मगर विवेक तो प्लैनेट ही छोड़ना चाहता है। मगर महाकाल के होते हुए उसके भाई को कुछ थोड़ी ना हो सकता है, तो दूत कुमार कांति को कहते हैं, शहर छोड़ने से परेशानी थोड़े पीछे छूट जाएगी, उससे तुम्हें लड़ना होगा, तभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को उसका आत्मसम्मान मिल जाएगा। बाकी तेरी बेटी और बीवी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे बेटे ने जो किया वो गलत नहीं है और इसका एहसास तुम्हें ही उसे दिलाना होगा। 9 मिलियन व्यूज, अरे वाह, लेट्स गो। तो वेल, कोर्टरूम ड्रामा टाइम, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जहाँ सबको एक एक लीगल नोटिस गया है। एक तो खुद इसके घर में गया है, ये खुद पे भी केस कर सकते हैं क्या? मुझे भी करना है खुद पे केस। कई साल पहले आंचल जब कह रही थी चलो घर कोई नहीं है पोकेमोन दिखाती हूँ, तो मैंने कह दिया था चल साली छुट्टी, पोकेमोन तो शाम को 6 बजे आता है। महाराज, ये स्कूल वालों की लापरवाही की वजह से मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, ये सब सॉरी बोल के मेरे बेटे को वापस ले महाराज, क्योंकि मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है महाराज। तो कांति का केस लड़ेगा उसका लायर, मगर ओपोनेंट में तो है कमीनी महेश्वरी, जो नाश्ते में ओपोनेंट के साथ साथ 3 फेयर एंड लवली खा के आई है। तो लायर भाग गया। अरे ये तो भाग गया। मिलॉर्ड, ये केस डिसमिस कर दो, ये अपने बेटे के गंदे बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे महाराज, पिक्चर यहीं खत्म हो जाएगी महाराज, फिर YBP वाले वीडियो नहीं बना पाएंगे महाराज, तो उन YBP वालों को व्यूज कैसे आएंगे महाराज, बेचारों को व्यूज चाहिए महाराज। जो ये छे। यहां तो खत्म नहीं कर सकते पिक्चर, व्यूज तो चाहिए। नेक्स्ट डेट, तारीख पे तारीख। तो कांति घर गया, पहले तो स्ट्रेस में धप 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 किया, फिर चाय पी और ऊपर से गिरा वो बैग, और कांति को आया आइडिया, इसकी सिम तो बंद हो गई थी ना, तो काफी दिन पढ़ाई करके कांति गया कोर्ट सफाई करने। महाराज, इसी को तो न्याय का मंदिर कहे है ना, भगवान है ना महाराज, न्याय के देवता है आप। अबे कितनी चाटेगा। एनीवे सर, आई विल बी फाइंडिंग माय ओन केस, हियर आर माय डॉक्यूमेंट्स। कमीनी जी आप बोलो। जज साहब, ये केस एकदम बेकार है जज साहब, ये बोल रहे कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से इसका बेटा धप 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 करके 11 मिलियन व्यूज और 3 लाख सब्सक्राइबर्स ले गया, और अब ये स्कूल वालों पे ब्लेम डाल रहे हैं। महाराज, ये कह रही है कि मेरी बेटी अश्लील है, पर आज से 2200 साल पहले एक किताब लिखी गई थी महाराज, पंचतंत्र, उसमें तो सब नॉर्मल है महाराज, कामसूत्र, ये बुक, ये वाला भी बुक, और हमारे कुछ मंदिरों में ये सब है महाराज, और कहीं नहीं लिखा है कि अश्लील है, बस स्कूल वालों और आपको लग रहा है कि अश्लील है, बताओ जज साहब। अगली तारीख। क्या यार ये, तो चलो अब सब अच्छा हो जाएगा, अब थोड़ी ना कुछ बुरा होगा, मेरी दुकान और ये घर खाली कर दे। तो अब कांति को धंधा और आंगन दोनों छोड़ के विक्की कौशल के द ग्रेट इंडियन फैमिली वाले घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा हम नोटिस नहीं करेंगे? Also, 15 मिलियन व्यूज हो गए गाइस, और प्ले बटन भी आ गया, लेट्स गो। जज साहब, ये रहा विवेक, और विवेक स्कूल में ही धप धप धप, अरे भाग कहाँ रहा है? लड़का भाग गया। नेक्स्ट तारीख। क्या यार ये, तो घर के पास उसी रात को आए दूत कुमार, जो महाकाल के भक्त है, तो ये जानते हैं कि बगल वाली स्क्रीन पे गदर 2 भी लगी है। ए छोटी सी जिंदगी ते राता लंबिया। तो ये बैठ के महाकाल का प्रसाद पी रहे हैं। अरे ज्ञानी जी, ये क्या भंड हो रहे हैं आप? भंड नहीं, लीन हो रहे हैं हम भक्ति में। मुझे भी चाहिए। शब्द का सब खेल है कांति, चल मैं चला गाना गाते हुए। ए नंदू। तो अगले दिन 19 मिलियन व्यूज हो गए, मिस्टर बीस्ट का भी कमेंट आ गया गाइस, लेट्स गो। कांति की बेटी, बता तेरा भाई जो कर रहा था वो गलत था? नहीं, हमारा छोटा भाई जो कर रहा था, जिसे हस्त मैथुन या फिर आज के जमाने में थप 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 कहते हैं, जो एक आम कार्य है, जो एक मनुष्य खुद को संतुष्ट करने के लिए करता है, जो किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता, तो वो गलत नहीं है, और आप एक नंबर की डायन हो। इसकी माँ का, माँ को बुलाओ।
मैडम जी, आपको अर्पित बाला के जोक्स कैसे लगते हैं? अरे ये भी कोई नहीं, नेक्स्ट है ये औरत जो जीबी रोड पे काम करती है और इनका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के बाहर कुछ भी करो किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर करना गलत है। रुक, तेरे को बता। मैडम जी, आपको आखिरी बार किसने खुश किया था आपके काम पे? नहीं नहीं बोलोगे, मैं भी तो एक बार आया था आपके यहाँ। सोचिए, अगर ये चीज अच्छे से बच्चों को सिखाया जाए तो आज हर आदमी आपके जिस्म को नोचने की जगह उसकी कद्र करता। इसलिए महाराज, सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ताकि लोग सही तरीके से इसे समझे। महाराज, ये सारे लोग जो तेल बेचते हैं, बंगाली बाबा जिसके पास सोना गाची फॉर्मूला है, और वो केमिस्ट जो सोफिया वगैरह बेचता है, इनको महाराज फांसी की सजा दे। पहले तो ये बताओ, ये रेड लाइट एरिया में बच्चे कर क्या रहे हैं? बात तो सही है। चलो ये तो मर गए, पर अब आप लोगों सेक्स एजुकेशन कैसे देंगे? वाह कमीनी जी वाह, क्या सवाल पूछा है। अगली तरीक क्या है यार ये? तो अब कांति क्या करे? अरे टेंशन क्यों लेते हो, मेरे हाथ से भूल भुला गया, मैंने कुछ कहा? ये लो कचौड़ी खाओ और अच्छे से देख के खाना, मैं चला। ए नंदू, तो कचौड़ी की पैकिंग में है SEX? कामिनी जी, आप एक नंबर की अप्सरा है, आपकी मस्तक से लेके मटक तक सब फेयर एंड लवली है। वो तो मैं भी मानता हूँ, माल तो है कामिनी जी, पर सेक्स एजुकेशन कैसे सिखाओगे ये बताओ। सिंपल महाराज, डायरेक्टली शुद्ध हिंदी में जो साइंटिफिक है महाराज, अगर बच्चों को बचपन से सब सिखाए सही तरीके से, तो बच्चे गुड टच बैड टच और ये क्यूरियोसिटी को गलत तरीके से नहीं लेंगे बच्चे महाराज, और ये बच्चों की सेफ्टी के लिए महाराज, सोचिए। वाह क्या बात कही है, क्या बात कही है। अगली तरीक क्या है यार ये? एंड कांति हो गया वायरल, इनफैक्ट उसने अपने बेटे के व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बेटा अब ट्रेंडिंग नहीं रहा, और सब लोग कांति को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूज वालों को छोड़ के बस, क्योंकि पैसे नहीं मिले ना। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके घर पड़ती है ईडी की रेड, बताओ ऐसे कैसे चलेगा है? और अब इसकी वजह से ये अपने केस पे जा नहीं पाएंगे, तो ये केस हार जाएंगे, वाह रे कानून वाह। पर स्कूल के लोगों ने कांति को बुलाया और कहा, ये लो 1 करोड़ का चेक, मुझे पता है तुम ये लेने से पहले 100 बार सोच। अरे डन सर, डन डन सर, डन, लेट्स गो सर, लेट्स गो। मगर रास्ते में इसे पीटी आ गई एंड द स्कूटी गोज। तो कांति उठा हॉस्पिटल में और सामने है महाकाल के दूत। थोड़ा सा भी वेट करने नहीं वा, मर रहे चल पड़ा। तुम्हारे इसी काम से अब लोग खुल के अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बात कर पा रहे कांति, और तू बिक गया। कांति, मैं हूँ महाकाल का दूत और मैं हूँ तेरी मदद करने, तो चल मेरे साथ कोर्ट रूम। और मैं नंदी। कहाँ थे आप? हमने सुना आप मर गए थे। अरे नहीं नहीं महाराज, वो थोड़ी देर लिए। एनीवे, गुड मॉर्निंग, गुड इंडियन। महाराज देखो, हमारे सपोर्ट में कितने लोग आए, और मेरा बेटा भी है, तो सेक्स एजुकेशन चाहिए। कुछ भी, किसी को नहीं चाहिए सेक्स एजुकेशन, मुझे चाहिए। तेरा बाप किधर है? पक्का कोई गधे का बच्चा होगा। कौन है तेरा बाप? ऑरवेल, जज के बेटे को उल्टा बोल दिया तो कमीनी का हो गया धप धप धप, और जज साहब ने सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करवा दिया। क्या मस्त लीगल सिस्टम को सपोर्ट करके क्या सही क्लास डिवाइड कर रहा है बस। और वेल सब खुश, सेंसर बोर्ड की जल के लाल हो गई क्योंकि मूवी ने पैसे कमा लिए, एंड कांति अगले पार्ट में काश ओजी कांति से लड़े। तो अगर OMG 3 चाहते हो तो कमेंट करो OMG 3। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहले तो मजे ले रहा है, टप 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 टप, मशीन चला रहा है, दब 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 दब। आधा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हर चीज के बारे में लोगों को एजुकेट होना जरूरी है, वरना तुमने देख ही लिया है कि एक बिहारी 1.5 GB इंटरनेट के साथ क्या कर सकता है। वीडियो देखी ना अब। Like, share, subscribe, like, share, subscribe, huh? Like, share, subscribe, huh? Like, share, subscribe, like, share, subscribe, huh?